नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सरकार और किसानों के बीच एक और बैठक रही बेनतीजा। सरकार ने 2 साल तक कृषि कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, किसान नहीं माने। जी हां, किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर लगातार जारी है। इसी बीच सरकार और करीब 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की 10वें दौर की बैठक हुई। यह बैठक भी बेनतीजा रही है। किसानों और सरकार के बीच अब 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि नए कृषि कानून पर 2 साल के लिए रोक लगाकर कमेटी बना लें। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। बैठक में MSP पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ने यहां तक कहा कि अगर कमेटी बनाकर बिंदुवार चर्चा के लिए किसान तैयार होते हैं तो सरकार इस बारे में कोर्ट में हलफनामा भी देने को तैयार हो जाएगी कि कानून 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे। सरकार ने पिछले वार्ता में किसान संगठनों से अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांगों के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के मध्य चल रही वार्ता के बीच उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी को गतिरोध समाप्त करने के मकसद से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत सरकार की सख्ती पर व्हाट्सएप ने दी सफाई। जी हां, भारत सरकार द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलावों को वापस लेने के लिए कहने के एक दिन बाद इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं होगी और वह इस मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। दरअसल भारत सरकार ने व्हाट्सएप द्वारा सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी की शर्तों में बदलावों पर 14 सवाल पूछे थे। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि यह बदलाव फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता नहीं है। हमारा उद्देश्य पारदर्शिता लाना है और व्यवसायों को जुड़ने के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने ग्राहकों की सेवा कर सकें और वृद्धि हासिल कर सकें। प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सएप हमेशा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ पर्सनल मैसेज की रक्षा करेगा ताकि न तो व्हाट्सएप और न ही फेसबुक उन्हें देख सके। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम गलत सूचनाओं का समाधान करने और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। बजट 2021 में स्मार्टफोन्स से लेकर टीवी फ्रिज तक के बढ़ सकते हैं दाम, वित्त मंत्री कर सकती हैं ऐलान। जी हां, आगामी बजट में केंद्र सरकार स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और अप्लायंसेस समेत करीब 50 आइटम्स पर 5-10% तक आयात शुल्क बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े हुए लोगों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने का यह फैसला PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि सरकार के इस कदम के जरिए 200 से 210 अरब रुपए के अतिरिक्त रेवेन्यू का लक्ष्य रख रही है। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक सुस्ती के बीच सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है। 2 सरकारी सूत्रों ने बताया कि आयात शुल्क में इस बढ़ोतरी से फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के आयात पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इससे स्वीडन की फर्नीचर कंपनी आइकिया और एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला पर असर पड़ेगा। हाल ही में टेस्ला ने भारत में आने के लेकर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। हेल्थ वर्कर की जान गई, 16 घंटे पहले ही लगवाई थी कोरोना वैक्सीन, कारण की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। जी हां, कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी के जान जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के निर्मल जिले में एक स्वास्थ्य कर्मी की टीकाकरण के 16 घंटे बाद जान चली गई है। प्रारंभिक जांच में मरने के कारण का वैक्सीनेशन से संबंध नहीं बताया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य कर्मी का पोस्टमार्टम करेगी। जिले की AEFI कमेटी मामले की जाँच कर रही है और इसे राज्य की AEFI कमेटी को सौंपेगी, जिसके बाद राज्य की कमेटी केंद्र के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगी। राज्य जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक निर्मल जिले के स्वास्थ्य कर्मी का 19 जनवरी को सुबह 11:30 बजे टीकाकरण किया गया था।
20 जनवरी को सुबह 2:30 स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी छाती में दर्द की शिकायत की। सुबह 5:30 जब उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। आखिरी अपडेट के मुताबिक अब तक देश में 4,54,049 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, केंद्र से याचिका वापस लेने को कहा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले पर कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, इस मामले पर फैसला पुलिस को करना है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा कि हम इस पर ऑर्डर पास नहीं करेंगे, हम आपको एप्लीकेशन वापस लेने की इजाज़त देते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान दिल्ली में 26 जनवरी को विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं और देश भर के किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बुला रहे हैं। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांगी थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ा व्हाइट हाउस, कहा बेहतरीन रहे 4 साल, बहुत कुछ किया हासिल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से आखिरी विदाई हो गई है। ट्रंप नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। विदाई के दौरान ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे 4 साल बेहतरीन रहे हैं, हमने एक साथ में काफ़ी कुछ काम किया है और बहुत कुछ हासिल किया है। मैं अपने परिवार, दोस्तों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद। ट्रंप ने कहा कि मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, सुनता रहूंगा। मैं नए प्रशासन को शुभकामनाएं और सफलता की कामना करता हूं। मुझे लगता है कि उनके पास वास्तव में कुछ शानदार करने की नींव है। राष्ट्रपति बनते ही मुस्लिम ट्रैवल बैन को खत्म कर सकते हैं जो बाइडन, WHO में फिर होगी अमेरिका की एंट्री। जी हां, जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति बनते ही वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कई फैसलों को तुरंत पलट देंगे, ऐसा वो अपने प्रचार भाषणों के दौरान भी कहते रहे हैं। खबरों के मुताबिक वो अपने पहले दिन ही ट्रंप प्रशासन द्वारा मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका मैक्सिको के बीच बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन के बंद करने का ऑर्डर भी बाइडेन प्रशासन द्वारा दिया जा सकता है। साथ ही ट्रंप द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने के फैसले को भी बाइडेन तुरंत बदल देंगे। आपको बता दें कि गौरतलब है कि ट्रंप ने मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के अलग होने की घोषणा कर दी थी। चीन पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन ने WHO को गुमराह किया और चीन ने हमेशा चीज़ों को छिपाया है। कोरोना पर चीन को जवाब देना ही होगा, पूरी दुनिया के सामने जवाब देना ही होगा। ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, इसलिए हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अपना नाता तोड़ रहे हैं। इसके बाद जुलाई महीने में अमेरिका आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी भाजपा। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही लड़ेगी। भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के ही भाजपा उतरेगी। बहुमत साबित करने के बाद भाजपा का नेतृत्व और विधायक ये तय करेंगे कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल अप्रैल मई में होने जा रहे चुनाव में भाजपा ने 200 सीटों से ज़्यादा जीतने का दावा किया है। भाजपा के शीर्ष नेता बंगाल में जीत के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। अमित शाह लगातार तीसरे महीने बंगाल के दौरे पर 30 जनवरी को कोलकाता पहुंचेंगे। यहां पर वह मतुआ समुदाय के बाहुल्य वाले ठाकुर नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इस दौरे के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तेजस्वी का तंज, कहा शराबबंदी की पोल खोलने वाले SP का हुआ तबादला, यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा।
जी हां, बिहार में लागू शराबबंदी कानून की पोल खोलने वाले एसपी मध्य निषेध राकेश कुमार सिन्हा के तबादले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने शराब माफियाओं के कहने पर मध्य निषेध के एसपी का तबादला कर दिया है, जिसने राज्य में लागू शराबबंदी की पोल खोली थी। दरअसल यही नीतीश कुमार का असली चेहरा है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पटना के एसपी मध्य निषेध ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा कि उत्पाद और पुलिस विभाग के अधिकारी सत्ताधारी जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर शराब बिक्री करवा रहे हैं। सीएम आवास में पहुंच रखने वाले शराब माफिया ने सीएम से अब उस एसपी का तबादला करवा दिया। यही है नीतीश कुमार का असली चेहरा। आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भारत की कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज़ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए नमस्कार।